डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूकेजी का ईवीएस बुक रीडिंग करने जा रहे हैं। लेसन वन, आप लोग भी लेसन वन निकालिए। देखिए टॉप में लिखा हुआ है एम वाई माई एस ई एल एफ माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स द स्वयं या खुद। फिर फिंगर दे रखिए और ए नंबर देखिए। ए नंबर में लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट अबाउट यू एंड योर फैमिली। आप खाली जगह को फिल कीजिए अपने और अपने परिवार के बारे में लिख के। फिर उसके नीचे देखिए एम वाई माई एन एम ई नेम इज। माई मीन्स मेरा होता है, नेम मीन्स नाम, इज मतलब है। मेरा नाम है, इसमें जो आपका नाम है अपना नाम आप लोगों को इसमें लिखना होगा। फिर सेकेंड नंबर में देखिए आई, आई मीन्स मैं, ए एम हूँ, ए मतलब हूँ, डैश वाई ई ए आर एस ईयर्स मिसाल ओ एल डी ओल्ड। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, जहाँ पे डैश दिया हुआ है यहाँ पे जितने साल के आप हैं, फाइव हैं तो ए फाइव बी फाइव लिख लीजिएगा। फिर थर्ड नंबर में देखिए एम वाई माई पी एच ओ एन ई फोन एन यू एम बी ईयर नंबर इज। इसमें माई फोन, माई फ़ोन नंबर इज, इसमें आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के इसमें फिल कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट है एम वाई माई एफ ए टी एच ई आर एस माई फादर्स एन एम ई नेम आई एस ई एस आर आई श्री। माई फादर्स नेम इज श्री, मेरे पिताजी का नाम है। जो भी आपका पापा का नाम है आप इसमें स्पेलिंग के साथ लिख के फिल कर लीजिएगा। उसके नेक्स्ट है एम वाई माई एम ओ टी एच ई आर एस मदर्स माई मदर्स एन ए एम ई नेम इज श्रीमती, मतलब मेरा मम्मी का नाम है। जो भी आपका मम्मी का नाम है आप इसमें फिल कर लीजिएगा। फिर उसके नीचे देखिए आई हैव एच ए बी हैव आई हैव मेरे पास डैश बी आर ओ टी एच ब्रदर मीन्स भाई एंड ए एन डी एंड डैश एस आई एस टी आर सिस्टर्स यानी बहन। आपके पास कितने भाई है उसका आपको इसमें नंबर लिखना है। वन भाई है तो वन लिखिए, टू है भाई है तो टू ब्रदर्स कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसमें नो लिख लीजिएगा, एन ओ नो। उसी तरह सिस्टर में भी होगा, वन है तो वन सिस्टर लिख लीजिएगा, टू है तो टू लिख लीजिएगा, अगर सिस्टर नहीं है तो उसमें एन ओ नो आप फिल कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट में है आई एल आई वी लिव आई एन इन आई लिव इन मैं रहता हूँ। लिव मीन्स होता है रहना, तो आप जहाँ रहते हैं जिस जगह रहते हैं उस जगह का आपको इसमें नाम फिल करना होगा। मान लीजिए आप लोग बासुकीनाथ में रहते हैं तो आप लोग बासुकीनाथ इसमें फिल कर लीजिएगा। अब देखिए ये ए नंबर का आप लोगों को फिल करके यानी भर के पोस्ट कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। उसके बाद एक और होमवर्क है बी नंबर का, देख लीजिए इसमें आप लोग का दो पिक दिया हुआ है, आपको इसमें कलर करना है। कलर देखिए आप लोग कैसे कीजिएगा, राइट साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में देखिए ए नंबर में ब्लैक कलर है, बी नंबर में पिंक है, सी नंबर में पर्पल, डी नंबर में ग्रीन एंड ई नंबर में रेड है। जिस तरह इसमें यहाँ ए नंबर ब्लैक है तो देखिए पिक में भी ए बी सी डी ई तक लिखा हुआ है। अगर ए लिखा हुआ है पिक में तो उस पार्ट में आपको ए नंबर में देख के ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का पार्ट में ब्लैक कलर ही करना है ए नंबर के पार्ट में। बी नंबर में उसी तरह जिस जो कलर इसमें से दिया हुआ है पिंक है तो पिंक लिखना। इस तरह से आप ए से ई तक कलर देख देख के आप पिक को फिल कर लीजिएगा कलर से। ए और बी आप लोगों का होमवर्क रहा, आप उम्मीद है कि आप लोग ये होमवर्क कर लीजिएगा और पोस्ट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।